What is up everybody, welcome back to another video. Hope you all are doing good. So guys, आज आपके लिए लेके आया हूँ मैं और एक ब्लॉग. ये है कि मैं संडे का मेरा रूटीन क्या होता है, ठीक है, संडे में क्या क्या करता हूँ. ओके, तो फिलहाल के लिए तो मैं उठ गया हूँ. मैं उठा था 3:20 के अराउंड, तो इधर उधर कुछ करते करते अब हो गया है फिलहाल 4:09. ओके, तो 4:09 चला गया. तो अपन फ्रेश होंगे, तो फ्रेश होते होते 4:30 हो जाएगा. तो 4:30 के आसपास अपन निकल जाएंगे साइकिलिंग करने के लिए. तो गाइस, तो यही है पहला मेरा रूटीन जिससे मेरा डे शुरू होता है संडे का. ओके, सो बाहर का सीन है फिलहाल के लिए जैसा है. तो ये है बाहर गाइस, फिलहाल के लिए तो अंधेरा ही है, ठीक है. तो इतना अंधेरा तो अपन वही फ्रेश होते होते शायद ये थोड़ा उजाला हो जाए, थोड़ा दिखे, मतलब रास्ता तो कम से कम. चलो ठीक है गाइस, तो मिलता हूँ मैं आपको, देखो और एक बार, ठीक है. ओके गाइस, अभी थोड़ा सही है लेकिन रास्ता थोड़ा बीच में, वो भी मैं कहते हैं ऐसे ख़राब भी है, जैसे कि ये इसमें हिल ना जाए. हिले गया भाई, नहीं हो रहा ब्रो, जैसा सोचा था वैसा नहीं हो रहा है. हिल जाता गाइस, तो ठीक है मैं इसे कर देता हूँ यहाँ पर बंद. और आपको पहुँच के वहाँ पे मैं दिखाता हूँ सीन, सब सिनेमैटिक व्यू मैं कहाँ से जाता हूँ. सद्या धौला ब्रिज के बाद ये रोइंग का एक ब्रिज, इसको सेकंड ब्रिज भी बोला जाता है. देखते हैं अपन कितना ऊपर तक जाते हैं, ठीक है. तो गाइस अपन आ गए हैं, ये है नरू का रिवर व्यू रेस्टोरेंट, देवपानी रिवर के जस्ट ही ऊपर ये टर्निंग है, इसके यहाँ में टर्निंग है, इसके यहाँ ब्रिज पे अपन रुके हैं. वे तो अपन अपने मोन्ट्रा RDX, क्या नजारा है भाई. सो गाइज डू एंजॉय, इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक एंड शेयर, प्लीज आई नीड योर सपोर्ट गाइज. सो इसी तरह और भी सारे ब्लॉग देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं आपके लिए इसी तरह से ब्लॉग लाता रहूँगा. तो गाइज चलते हैं. गाइज अपन जा रहे हैं अभी नीचे की ओर, अपन ब्रिज पे रुकेंगे और थोड़ा देखेंगे नजारे. ओ यस, दुनिया में काफी सारे आदमी आए हुए हैं, कोई जॉगिंग पे कोई रनिंग करके हो गए, पर अपना मेन मोटिव है कि अपन क्या करें. यही है ब्रिज गाइस, तो अपन यहाँ पे थोड़ा रुकेंगे और दिखाएंगे आप सबको नजारे. ये अच्छा है गाइस, यहाँ पे खाली है, कोई नहीं है, तो फिलहाल के लिए अपन रुकेंगे यहाँ पे. As you guys can see, the whole नजारे. काफी अच्छा व्यूज है गाइस, तो यहाँ से सनराइज होता है, अपन उसका भी वेट करेंगे अगर टाइम रहेगा तो. ओके, फिलहाल के लिए बज रहा है 4:57, देखते हैं कितना बजे तक सनराइज होता है. ऑब्वियसली लैंड ऑफ द राइजिंग सन रोइंग लोअर दियोंग वैली, यहाँ पे तो लेट से होगा क्योंकि बहुत सारे पहाड़ है ना. चलो तो देखते हैं. मैं यहाँ पर इस वाले ब्रिज तक ऑलमोस्ट 2 years के बाद, 2 years 2.5 साल के बाद आया हूँ. काफी सारे चेंजेस दिखे मेरे को रास्ते में आते हुए, और इधर ऊपर को भी पूरा हाईवे बन गया. मैं जब लास्ट टाइम आया था तब ऐसा हाईवे नहीं था. ओके, सो
काफी अच्छा व्यूज है गाइस, यू कैन सी इट हियर और कहीं भी देख लीजिए, काफी सारे नजारे। अभी मेरे को दिखा कि मैं ये अलग पहना हूँ एक कपड़ा, ठीक है। ये मेरे ज्यादातर IGTV वीडियोस पे या कुछ भी वीडियोस में ज्यादातर ये कपड़ा पहनता हूँ, क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूँ। तीन चार पहाड़ों के बीच से निकल रहा है, ओके। अब पानी भी ऐसा ही है, ये जो ऐसा निकलेगा क्या? ना ऐसा निकलेगा, ऐसा कुछ। और ये जो पहाड़ है इन्हीं के बीचों से साइडों साइड हो के आनिनी दिबांग वैली। मैं फील्ड के चारों ओर साइकिलिंग करता था, क्योंकि उसके बाद फील्ड सामने रहता था, तो वहीं पे फिटनेस कर लिया थोड़ा, कार्डियो वार्डियो, एजिलिटी, एंड्योरेंस, ठीक है। उसके बाद मैं 5:30 के आसपास लगभग खेलने जाता हूँ, वो है हमारा नेट प्रैक्टिस, जो मैं IGTV वीडियो डालते रहता हूँ। अगर आपको मेरा भी IGTV वीडियो देखना है मेरा, सो यू कैन फॉलो मी एट इंस्टा, इट्स YM_8। उसके बाद आपको वहाँ पे सब मेरे IGTV वीडियोस मिल जाएंगे जो मैं डे टू डे लाइफ में करता हूँ। ये गाइस, तो वही बता रहा था कि मेरा डेली रूटीन पे यही चलता है, सुबह उठूँ, साइकिलिंग करूँ, फिर कार्डियो वार्डियो, एजिलिटी। फिलहाल के लिए मैंने जिम जाना बंद किया है, क्योंकि ऑब्वियसली मैं गरीब हूँ, तो वही गाइस थोड़ा पैसा का प्रॉब्लम, ऑब्वियसली हमारा सब मिडिल क्लास लोगों का प्रॉब्लम ये करना, सर सब ज्यादा बहुत सारे चीज करना चाहते हैं, ठीक है गाइस, पर क्या आता है आड़े? पैसा। इसी के लिए रुका था मैं सनराइज के लिए, क्योंकि हो चुका है अभी और फिलहाल अपने को धूप नहीं दिख रहा है। ओके भाई, क्या रे आ रहा है कैमरा में, जो है रे आ रहा है कुछ। ओके गाइस, तो इसी के साथ अपन चलते हैं यहाँ से, और आपको मैं दिखाऊंगा रास्ते का कुछ सिनेमेटिक व्यूज। तो गाइस बने रहे इस ब्लॉग पे, और सारे नजारे देखने के लिए। तो गाइस छोड़ के जाता हूँ मैं आपको नजारे के साथ। तो गाइस सनराइज हो गया है और अपना यहाँ पे सब हो गया है, तो अपना फोन भी आ रहा है, क्योंकि 6 बजने वाला ऑब्वियसली, तो प्रैक्टिस के लिए बुला रहे हैं। तो अपन निकलते हैं गाइस घर के लिए, और छोड़ के जाते हैं आपको इन कुछ सीन्स के साथ जो मेरे साइकिल पे लगे इस कैमरे से शूट हो रहा है। एंजॉय करिए नजारे। और अगर मैं साइकिल ब्रिज के बीच से चलाऊंगा तो